ओके, आज का हमारा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लोब्स का। लोब स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो रिपीटेशन परफॉर्म करती हैं, रिपीट करती हैं, एक टास्क को बार बार रिपीट करती हैं। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं जिनको वो बार बार रिपीट करती हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि कितनी दफा रिपीट करती हैं या कब तक रिपीट करेंगी। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं इसमें, या तो आप उसको बता दें कि जी कितनी दफा आपने पहले से बता देते हैं आप, 10 बार रिपीट करना है, 100 दफा करना है, 1000 दफा करना है, कितनी दफा रिपीट करना है आपने। या दूसरा ऑप्शन ये होता है आप कोई कंडीशन बता देते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है रिपीट करते रहो, जब तक ये कंडीशन ट्रू है रिपीट करते रहो। ये दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इसके एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बैंक में एक ऑफिसर होता है, उसे कहते हैं कैश ऑफिसर। उसका काम ये होता है कि उसने जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो उनका कैश जमा करेगा, उनकी वो वाउचर लेके, और जो वो कैश देंगे उसको गिनेगा। अगर वो कैश पूरा है तो स्लिप पे साइन कर देगा रिसीविंग के, और वो जो कैश है उसके अकाउंट में जमा कर देगा, एंट्री कर देगा, और जो रिसीव है अपने साइन स्टैंप लगा के वो रसीद उसको वापस दे देगा। अब इस ये उसका प्रोसेस है, एक आइट्रेशन है पूरी, ठीक है। तो अब फर्ज करें बॉस उसको ये कहता है कि भाई आज हमारे पास टोटल 100 कस्टमर्स ने आना है, तो आप ऐसा करें कि आपने 100 कस्टमर्स का कैश रिसीव करके उनके अकाउंट में जमा करना है और उनको स्लिप देनी है जमा की। तो यहां पे आपको पहले से पता कि आपने इस टास्क को कितनी दफा परफॉर्म करना है, 100 टाइम्स। तो इसको हम कह सकते हैं काउंटर लूप, जिसमें आपको पहले से पता है कि जी लूप इतनी दफा चलनी है। ओके, इसमें आपको पहले से पता होता है कि लूप इतनी दफा चलनी है आपकी, 100 टाइम्स कैश ऑफिसर ने ये काम करना है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उसमें बॉस आपको कहता है कि आप सुबह 9 बजे आओ और शाम 5 बजे तक बैठो, जितने भी कस्टमर आते हैं आप उनका कैश जमा करो। अब हो सकता है कोई कस्टमर ना आए, हो सकता है सिर्फ एक कस्टमर आए, 10 कस्टमर आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए। उसमें आपको पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी दफा चलनी है, कि ये टास्क कितनी दफा रिपीट होगा। तो ऐसी लूप को हम कहते हैं कंडीशनल लूप, ठीक है। तो काउंटर कंट्रोल लूप वर्ड भी यूज किया जाता है, काउंटर कंट्रोल लूप। अब इसका डिफरेंस पता चल गया आपको, काउंटर कंट्रोल लूप या काउंटर लूप कौन सी होती है जिसमें आपको पहले से पता होता है कि लूप कितनी दफा चलनी है, और कंडीशनल लूप कौन सी होती है जिसमें आपको पहले से पता नहीं होता कि लूप कितनी दफा चलनी है, ठीक है, टास्क कितनी दफा रिपीट होना है। तो काउंटर लूप के लिए C++ में आपके लिए फॉर लूप अवेलेबल है। अगर आप काउंटर लूप चलाना चाहते हैं तो सी में ऑलरेडी आपके लिए पास कौन सी स्टेटमेंट है, और अगर आप कंडीशनल लूप चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 2 लूप्स हैं, एक वाइल है और एक डू वाइल। अब ये 2 लूप्स क्यों हैं और इनमें डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। हम एक बेसिक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करती है, कैसे हम एक टास्क को बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसकी डिक्लेयर कर लिया हमने। अब हमने एक स्टेटमेंट लिखी, सी आउट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, और इसको रन कर देते हैं। ये प्रिंट हो गया। अब ये जो एक स्टेटमेंट है ना, ये वाली हमारी, इसको हम लगाएंगे लूप के अंदर, और ये फिर स्टेटमेंट रिपीटेडली कंपाइलर इसको चलाएगा फॉर
फॉर बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे आप इफ स्टेटमेंट लगाते थे या स्विच लगाते थे, कि वो आपने स्टेटमेंट का नाम लिख के फिर आगे राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ये बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन इसमें फिर आप इसकी जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उसमें तीन चीजें लिखेंगे। पहली चीज होती है लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है, इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू, क्या कहते हैं, और इसके बाद आपने ये सेमी कॉलन देना है, ठीक है। दूसरी होती है आपने कहाँ तक लूप चलानी है, उसकी लास्ट वैल्यू, ठीक है। और नॉर्मली ये जो लास्ट वैल्यू होती है किसी कंडीशन की शक्ल में दी जाती है। और तीसरी चीज होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या किसी और तरीके से आप इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको उठा के आप इसकी बॉडी में लिख देंगे यहां पे। अब मुझे बताएं ये आउटपुट क्या आएगा। अब यही जो एक स्टेटमेंट है ये 5 टाइम्स रन हो गई, बिकॉज आपने इसको किसके अंदर रख दिया, लूप के अंदर, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये 4-5 दफा रन हो गया। इसको हम बैक स्लैश एन लगा देते हैं यहां पे, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, ये पाकिस्तान प्रिंट हो गया, ओके। अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप की वर्किंग समझ लें तो आप उसके बाद व्हाइल लूप की वर्किंग भी खुद ही समझ जाएंगे, और डू वाइल की भी, और किसी भी लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में, वीबी में, कहीं भी लूप चलेगी तो आपको समझ आ जाएगी लूप कैसे चलनी है। और ये वर्किंग समझना इंपॉर्टेंट है, उससे आपको लॉजिक समझ आएगी कि लूप फंक्शन कैसे करती है। तो हम इसकी वर्किंग समझना देखते हैं, ओके। वर्किंग हम इसकी समझते हैं। कंपाइलर बेसिकली फॉर लूप के 4 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा ये है इसकी इनिशियल वैल्यू, सेकंड पार्ट ये है कंडीशन, थर्ड पार्ट ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फोर्थ पार्ट ये है बॉडी। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ फॉर लूप। पहला हिस्सा होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा हिस्सा होता है कंडीशन, तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, चौथा हिस्सा होता है बॉडी, ठीक है। अब इसमें वैसे तो नंबरिंग हमने लगाई है उसके हिसाब से, सीक्वेंस से, लेकिन कंपाइलर इस सीक्वेंस से नहीं चलाता इसको। कंपाइलर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन को परफॉर्म करेगा और इस वेरिएबल की एक इनिशियल वैल्यू सेट कर देगा। इस वेरिएबल के एक इनिशियल वैल्यू सेट कर देगा। क्या वैल्यू सेट की उसने? ये जो इनिशियल वैल्यू है ये कोई भी हो सकती है, 1 की बजाय 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जहां से भी आप चाहें आप इसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां से मर्जी स्टार्ट करें। अगला कंपाइलर जो इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा होता है, कंपाइलर इसको सिर्फ एक दफा चलाता है, उसके बाद नेक्स्ट किसी आइट्रेशन में इसको नहीं चलाएगा। व्हाट इज आइट्रेशन? आइट्रेशन का मतलब साइकिल के, अब ये जो लूप लगाई है इसकी 5 आइट्रेशन है, ठीक है। ये आइट्रेशन इसकी कम ज्यादा भी हो सकती हैं। आइट्रेशन से मुराद यही है कि लूप ने कितनी दफा चलना है। तो कंपाइलर जो इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा होता है इज परफॉर्म्ड ओनली वंस। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा परफॉर्म होती है, रिपीटेडली नहीं होती। बाकी जितने भी इससे कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बॉडी, ये रिपीटेडली हर आइट्रेशन में परफॉर्म होते हैं। इनिशियलाइजेशन सिर्फ फर्स्ट टाइम परफॉर्म होती है, ठीक है। तो कंपाइलर ये परफॉर्म करने के बाद फिर जाता है कंडीशन पे। कहां जाता है? इस कंडीशन को चेक करेगा, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अब मुझे बताएं ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इस वक्त आई की वैल्यू क्या है? इस वक्त तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू? यस।
अब कंपाइलर इस कंडीशन को चेक कर लिया, कंडीशन का आंसर ट्रू है, इसके बाद इसने यहां नहीं जाना, इंक्रीमेंट पे नहीं जाना, कहां जाएगा? बॉडी पे। तो बॉडी एक्चुअली इसका तीसरा हिस्सा है, ठीक है, बॉडी को चलाएगा और चलाने के बाद नीचे किसी जगह पे नहीं जाएगा, बल्कि घूम के फिर ऊपर यहां पे आएगा। कहां पे आएगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, यहां पे आके उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है? वो वेरिएबल की वैल्यू में वन ऐड कर देता है, अगर वन है तो टू हो जाएगी। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर दोबारा वो कंडीशन पे आ जाएगा, फिर दोबारा कंडीशन टेस्ट होगी। तो अभी आई की वैल्यू है टू, तो इस टू के मुताबिक ये कंडीशन स्टिल ट्रू है, टू इज लेस देन फाइव, ट्रू है, तो फिर वो बॉडी चलाएगा, ठीक है। बॉडी चलाने के बाद फिर ऊपर जाएगा और इसको इंक्रीमेंट करेगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री। उसके बाद फिर कंडीशन पे जाएगा और ट्रू है अभी भी, फिर बॉडी चलेगी, फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, फोर, फोर इज लेस देन फाइव, यस, बॉडी को रन करेगा, फिर फाइव, फाइव इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, यस, इट इज इक्वल टू फाइव, ट्रू, फिर बॉडी रन होगी, फिर आई की वैल्यू सिक्स हो जाएगी और इस दफा ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, इट इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू फाइव, दोनों ऑप्शंस फॉल्स है, ना लेस है ना इक्वल है, तो फॉल्स। तो अब इस बार जो है ना वो लूप से बाहर निकल जाएगा, नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी उसको जाके रन करेगा। तो दिस इज वर्किंग ऑफ फॉर लूप। तो इसमें यू समझ लेंगे जो इसकी वर्किंग है ना, उसमें फर्स्ट टाइम पार्ट नंबर वन चलता है, और उसके बाद टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, ये साइकिल चलता रहता है। कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, ये रिपीटेडली ये साइकिल चलता है, कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है। तो ये वर्किंग समझ आ गई इसकी, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस। हम एक काम तो ये करते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट का और इजाफा करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं आई सी आउट। तो अब हर आइटरेशन में आई की वैल्यू भी प्रिंट होगी, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहां पे हम थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। ये वन टू थ्री फोर फाइव किसकी वजह से आया? आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना, तो साथ साथ उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब हमारी लूप की बॉडी में कितनी स्टेटमेंट्स हो गई हैं? कितनी स्टेटमेंट्स हैं? दो है ना, दो स्टेटमेंट्स हो गई हैं लूप की बॉडी में। क्या इस बॉडी से बाहर अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे, तो वो इस लूप की बॉडी में शामिल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ये लूप की बॉडी से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं एंड ऑफ लूप, अब ये लूप की बॉडी में शामिल नहीं है, ये लूप से बाहर है। ये कब चलेगी स्टेटमेंट? जब लूप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चलेगी ये, ठीक है। रन करके देखते हैं, ये देखें एंड ऑफ लूप कब प्रिंट हुआ है, जब सारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो गया है, उसके बाद जाके प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब हम इस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फॉर लूप की कस्टमाइजेशन करनी है। कस्टमाइजेशन से मुराद ये होता है कि ये जो तीन हिस्से हैं इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करेंगे आप, ठीक है। ओके, कस्टमाइजेशन जी, इंक्रीमेंट की जगह इंक्रीमेंट लगा दे तो वही करने लगा हूं, वही करने लगा हूं। कस्टमाइजेशन से मुराद ये होता है कि इन तीन चीजों को हमने चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको फिलहाल मैं निकाल रहा हूं यहां से, हम जस्ट आई की वैल्यू से भी हमें अंदाजा हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है पांच की जगह मैं 50 कर देता हूं, अब ये लूप कितनी दफा चलेगी?
वन टू से लेकर आप देख सकते हैं ये 50 तक, उसके बाद एंड ऑफ लूप। ठीक है, ये एंड ऑफ लूप भी मैं फिलहाल खत्म कर देता हूं, हम जस्ट लूप की कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब यस अगर इसको 1 की जगह मैं 10 कर दूं, अब लूप कितनी दफा चलेगी? 40 बार, नहीं चलेगा 41 टाइम्स चलेगी। 10 से 50 तक जो है ना, ये 41 टाइम्स होते हैं, 40 नहीं होते। 10 से लेकर 50 तक, तो आपने देखा कि हम इनिशियल वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और इसकी जो फाइनल वैल्यू वो भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इस पे आते हैं, आई प्लस प्लस। अगर हम इंक्रीमेंट 1 का नहीं देना चाहते, 1 की बजाय 2 का देना चाहते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं, आई प्लस इक्वल टू 2 कर दें, या आप लिखते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 2। दोनों तरीके हैं, जो आपको आसान लगता है वो यूज कर लें। ठीक है, अब देखें आउटपुट कैसा आ रहा है। इनिशियल वैल्यू मैंने यहां पे क्या सेट की थी इसकी? 10 10 सेट की थी ना, तो इनिशियल वैल्यू 10 आ गई। उसके बाद जंप कितना लगा? 2 का, तो अगली आइटरेशन 12 की आई है, उसके बाद 14 की। ये बात समझ आई? इस टेक्निक को यूज करते हुए आप इवन नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं, जहां से भी आप चाहें स्टार्ट कर लें, 1 से स्टार्ट कर लें, 2 से स्टार्ट कर लें, 10 से, 50 से, एक रेंज के अंदर। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 10 से लेकर 50 तक एक रेंज है, उस रेंज के अंदर सारे इवन नंबर्स प्रिंट कर लिए। और अगर मैं इसको स्टार्टिंग नंबर दे दूं कोई ऑड नंबर, फॉर एग्जांपल 11, तो अब क्या होगा? अब सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। ये देखें, 11, 11 के बाद 13, बिकॉज 2 का है ना, समझ आ गई बात। 49 के बाद 50 नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि 49 के बाद 51 आना था, और 51 जब उसने होना था तो कंडीशन फॉल्स हो जानी थी। ओके, ये जो इंक्रीमेंट है ये ज्यादा भी किया जा सकता है, 3 और जितना भी आप चाहें किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। 11 के बाद 15 आ गया, 4 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 19 आ गया, 23 आ गया, समझ आ रही है? इवन यहां पे मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने कर दी 10 और लास्ट वैल्यू 50, और जो चेंज हो रहा है वो क्या कर दिया मैंने, 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आउटपुट आएगा? देखें जी क्या आउटपुट है, 10, 20, 40। सबसे पहली वैल्यू 10, जब वो अगली आइटरेशन में गया तो उसने आई को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? जी फिर अगली आइटरेशन में गया तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 हो गया, और 40 के बाद जब अगली आइटरेशन में गया तो 80 हो गया, और 80 में क्या हुआ? फॉल्स। हाँ, यहां तक कोई मसला? ये लूप उल्टी भी चलाई जा सकती है, रिवर्स, यानी उसमें ये होता है, ये जो आप स्टार्टिंग वैल्यू है बड़ी देते हैं आप, और ये जो कंडीशन है ये छोटी वैल्यू दे दें, और यहां पे कर दें आप आई माइनस माइनस। ये माइनस माइनस क्या करेगा? ये वन वन डिक्रीमेंट करेगा। अच्छा, यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं 2 माइनस लगाएंगे तो 1 माइनस करेगा, 3 माइनस लगाएंगे तो 2 करेगा, 4 लगाएंगे तो 3 करेगा, ऐसा नहीं है। ये सिंबल है बेसिकली ऑपरेटर की, और ये इसने 1 माइनस करना है। ठीक है, और ये लूप स्टार्ट कहां से होनी है? 100 से, और खत्म कहां पे होनी है? चलो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 तक चला जाए। हाँ जी, कितनी दफा लूप चलेगी?
ये क्या हुआ? कंडीशन गलत लगा दी, फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गई। हुआ यूं कि आपने इनिशियल वैल्यू क्या सेट की और उसने कंडीशन जब टेस्ट की, 5 is less than or equal to 1, इट इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू 1। कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स, एक दफा भी लूप नहीं चलेगी। यहां पे लेस देन इक्वल टू नहीं, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो ये बात इसका ख्याल रखिएगा, समटाइम जिसकी वजह से इनफाइनाइट लूप भी चल जाती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? अब इसको देखें आप, 5 4 3 2 1। ओके, और अगर मैं यहां पे कर देता हूं, फर्ज कर रहे हैं 100, यहां पे सेम अगेन ऐसा भी हो सकता है, आई इज इक्वल टू आई माइनस 10 फर्ज करें, अब क्या आउटपुट आएगा? सबसे पहले क्या लिखा आएगा? 100, 100 के बाद 90 के बाद, बस यही आउटपुट है इसका। ठीक है, और अगर मैं यहां पे कर दूं i इक्वल टू i डिवाइड बाय 2, अब क्या आउटपुट आएगा? हंड्रेड के बाद 50, 50 के बाद 25। ठीक है जी, आई प्लस प्लस लिखे, इनफाइनाइट हो जाएगी लूप। इनफाइनाइट लूप देखनी कैसे होती है। हाँ जी, ये लूप इनफाइनाइट चलेगी। अब इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? 100, और 100 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। 100 प्रिंट करेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा, 100 के बाद 101 हो जाएगा। नीचे जाना चाहिए था ना उसको, वो 101 पे चला गया, फिर 102, फिर 103, सो ऑन। कहां लग जाएगा पता नहीं, अब कंप्यूटर ना बंद करना पड़ जाए, देखते हैं। ये एक जगह पे जाकर रुकेगा, देखना जरा। ये इस टाइम 28,000 समथिंग पे चल रहा है, नहीं रुका, चला गया आगे। ये जाके रुकेगा 2 बिलियंस पे। ये इंट की रेंज कोड ब्लॉक्स में 4 बाइट्स होती है, और 4 बाइट्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 बिलियन समथिंग। इस वक्त ये फिर रहा है 56,000 समथिंग पे, तो उसमें भी जाकर उसने रुकना नहीं है, फिर वो माइनस वाली साइड से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो की तरफ आएगा, फिर जीरो से फिर प्लस वाली साइड पे। हाँ जी, तो ये मैजिक है। ठीक है, सो दिस इज इनफाइनाइट लूप, इससे आपने अवॉइड करना है। इनफाइनाइट लूप का कोई फायदा नहीं है, इससे आपने अवॉइड करना है। मुझे नहीं कोई याद कोई उसका बेनिफिट हो इनफाइनाइट लूप का। ठीक है, तो सम केसेस में होती है, लेकिन वहां भी हम उसको कंडीशन के जरिए कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं जाके। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही चलती रहे। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे आप इनफाइनाइट लूप चाहते हैं, लाइक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि जो जो वो रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो हमारी डेटाबेस के अंदर डाटा फेंकता जाए, या हमारा मोबाइल चल रहा है, हम जहां जहां जाएं हमारे जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसी डेटाबेस में स्टोर होते जाएं। गूगल ये काम कर रहा है, वो आप जहां जहां जाते हैं आपके मोबाइल के कोऑर्डिनेट्स को, जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स को अपनी डेटाबेस में स्टोर करता रहता है इनफाइनेटली, जब तक आपका मोबाइल बंद ना हो जाए। तो इसी तरह से वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपको डाटा चाहिए होता है कंटिन्यूस, तो आप क्या करते हैं कि जो सेंसर्स लगाए होते हैं एनवायरनमेंट में, वो कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो उठा के ट्रांसमिट करते रहते हैं सर्वर की तरफ, तो वो इनफाइनेटली चलते हैं, वो रुकते नहीं है दरमियान में। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? फॉर लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, इससे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन टेबल।
उर्दू में कहते हैं पहाड़ा। सिस्टम को कहेंगे जी पहाड़ा सुनाओ, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया एन, और एक और वेरिएबल लिया आई, और एक और आर। पहले तो आप इसकी साइंस समझ लें कि हम यहां पे लूप कैसे लगाएंगे। देखें, लूप लगाने का प्रोसीजर यह होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसा करें, सिंपली अपना आउटपुट लिख लें किसी पेज के ऊपर। जैसे हमने आउटपुट लिखा 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये हमने अपना आउटपुट लिख लिया सारा। सो ऑन, आप कहां तक गए? 10 20। अब इस आउटपुट में हम जरा गौर करते हैं कि ये सबसे पहले इसको देखें आप, ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रही, ये स्टिल है अपनी जगह पे। ये वैल्यू चेंज हो रही है, एक सीक्वेंस में चेंज हो रही है, और ये भी चेंज हो रही है एक सीक्वेंस में। लेकिन ये जो तीसरी वैल्यू है ये इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर हम इसके ऊपर इसको किसी तरीके से रन कर लें, इस चीज को 1 से लेकर 10 तक, तो हम ये पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल लूप लगाते हैं 1 से 10 तक। तो अभी हमने लगाई भी थी, तो इसमें भी अगर जस्ट वन स्टेटमेंट है तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या हम इस तरीके से आउटपुट चाहते हैं? हम तो न्यू लाइन में चाहते हैं ना। तो एक तो हम ये काम करते हैं, इसको ब्रैकेट्स में लेके आते हैं, और दूसरा यहां पे हम लगा देते हैं बैक स्लैश एन, ये सारा आ गया। अभी आपका ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया, अब इसके शुरू वाला हिस्सा भी चाहिए आपको। और इसको देखें ये कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एन की वैल्यू, चले एन की वैल्यू डायरेक्टली लेते हैं हम, यहाँ पे सी आउट 2 है, ठीक है। और इसके बाद हम एक स्पेस दे देते हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है आपके, इसलिए। हाँ जी, यहां तक आउटपुट देखें कुछ समझ आ रहा है। इनके दरमियान एक और निशान भी होना चाहिए मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई के लिए हम यहां पर एक एक्स लिख देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए, ठीक है। चलें, अच्छा इसके बाद इक्वल टू का निशान आना चाहिए, वो भी लगा देते हैं। ये जो बैक स्लैश एन है ना, इसको हम अलग ले जाते हैं, इसको यहां से उठाते हैं, सी आउट, और यहां पे बैक स्लैश है ना लगा दिया, और आई के बाद आपने इक्वल टू का साइन प्रिंट करना है, ठीक है। ओके, और अब आपने उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। किसका रिजल्ट? कि 2 1 से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर आएगा यहां पे 2 2 से। तो इसका आप कैसे, 2 तो आपके पास है ऑलरेडी, आई भी है आपके पास, तो आप यहां पे लिखें 2 मल्टीप्लाई बाई आई। ये जो प्रिंट होगा इसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। आई की वैल्यू अगर 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्रिंट होगा, अगर आई की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्रिंट होगा, 3 है तो 6, 4 है तो 8, ठीक है। ओके, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ काम, ये प्रोग्राम आपने इसी तरह बनाना होता है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अब ये जो 2 है ना, हम ये चाहते हैं ये यूजर से पूछें कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना है। तब ये फिक्स किया हुआ है ना, आप इसको फिक्स ना करें, आप इसको यूजर से पूछें, एंटर एनी नंबर, और इनपुट आप ले लें। मैंने ऊपर एक वेरिएबल लिया है इसी काम के लिए, क्या लिया है? एन।
अब ये जो टू है इसकी जगह पे आप यहां पे एन प्रिंट करते हैं। टू को यहां से निकाल के कर दिया मैंने, यहां पे एन को ब्रैकेट से बाहर ले गया हूं डबल कोट से, बिकॉज इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर इसको डबल कोट्स के अंदर रखता तो एन खुद प्रिंट हो जाता, हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। और यहां पे टू की जगह पे एंटर एनी नंबर टू, ठीक है। दोबारा चलाते हैं, फोर मैजिक, नए बच्चों के लिए तो मैजिक ही है, ठीक है। ओके, एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं। हम यहां पे एक तीसरा मैंने वेरिएबल लिया था आर, इस आर के अंदर मैं इसको रखता हूं एन मल्टीप्लाई बाई आई को यहां पे, और यहां पे सिर्फ मैं आर की वैल्यू प्रिंट करता हूं जस्ट, ठीक है। एंट्री नंबर सिक्स, सिक्स का टेबल आ गया। ओके, मजीद मॉडिफाई करते हैं। इतने सारे सी आउट लगाए हैं, सारे खत्म करते हैं। तो बेसिकली जो टू लाइंस का प्रोग्राम है ये, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा एंड पे क्या प्रिंट होना है, ये डबल कोट्स में एज इट इज प्रिंट हो जाना है, जो भी है आई की वैल्यू, उसके बाद इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आर की वैल्यू, फिर बैक स्लैश एन, ठीक है। एंड नंबर सेवन, ओके, हाँ जी समझ आया, एनी क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक और प्रोग्राम करेंगे फिट फॉर लूप का, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल को मैथमेटिक्स में हम ये वाली सिंबल होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर फोर फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है कि फोर को मल्टीप्लाई करो थ्री से, टू से, वन से, और जो भी आंसर आए वो उसका आंसर है। अगर फोर का फैक्टोरियल है तो फोर को उससे नीचे जितने भी नंबर्स हैं वन तक, उन सब से मल्टीप्लाई करो। अगर फॉर एग्जाम्पल थ्री का फैक्टोरियल है तो उसका आंसर क्या आएगा, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, क्या आंसर आएगा, सिक्स, ठीक है। इसका प्रोग्राम बनाना है कि यूजर एक नंबर बताए और हम उसका फैक्टोरियल उसको बताएं क्या आएगा। यूजर हमें बताएगा जस्ट फोर और हम उसका आंसर बताएंगे 24। यूजर अगर थ्री बताता है तो उसका आंसर आएगा सिक्स। यहां पे एक बात याद रखें, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, वन का फैक्टोरियल भी वन होता है, फिर उसके बाद टू आ जाता है, टू का टू ही होता है, टू मल्टीप्लाई बाय वन टू होता है। माइनस के जो नंबर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल नहीं होता। तो ये सारी की चीजें हमने लगानी है इसके अंदर, नेगेटिव नंबर्स का भी हमने ख्याल रखना है, नेगेटिव नंबर्स नहीं आने चाहिए। अब देखें इसकी लॉजिक कैसे बनेगी। मैंने नंबर ले लिया, अब मुझे आप बताएं इसमें लूप कहां से कहां तक चलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल फोर का फैक्टोरियल लेना है तो लूप कहां से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, फोर से स्टार्ट होगी वन तक जाएगी। तो हम यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं एक और आई, और उसके ऊपर लूप लगाते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि फॉर के अंदर जो वेरिएबल लगाना है वो आई ही लेना है, ये कोई फर्ज नहीं है आपके ऊपर, जो मर्जी ले लो, ठीक है। लूप कहां से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एन की वैल्यू फोर है तो फोर से स्टार्ट हो गई, अगर एन की वैल्यू थ्री है तो थ्री से स्टार्ट हो गई। तो यहां पे हम एन लिख देते हैं, एन की जो भी वैल्यू वहां से स्टार्ट हो जाएगी, और लूप आपकी उल्टी चलनी है, कहां तक जानी है, आई इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट, यहां तक बात समझ आ गई है। हम फिलहाल जस्ट आई की वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं, इसमें है क्या।
एंटर आई नंबर 5, ये प्रिंट हो गया 5 4 3 2 1। लेकिन हम ये प्रिंट नहीं है, हम इसका आंसर चाहिए मल्टीप्लाई करने का। डिजिट हमारे पास आ गए सारे, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 1। ये एक वेरिएबल है आई, ये उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू 5 थी, सेकेंड आइटरेशन में उसकी वैल्यू क्या होगी 4, फिर 3 2 एंड 1। तो हम इस सिंपली आई की वैल्यू को यूज करेंगे। एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं एफ, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर देते हैं, लूप स्टार्ट होने से पहले उसकी वैल्यू क्या होगी 1। और हर आइटरेशन में हम एफ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे आई की हर वैल्यू से, और जब लूप कंप्लीट होगी उसके बाद हम उसका आंसर शो करवाएंगे। फोर, फोर का आंसर क्या है बताओ, फैक्टोरियल इज 24। फाइव का आंसर क्या आएगा 120। थ्री का आंसर क्या आएगा 6। समझ आ गई बात। अब सवाल यह है कि यहां इसको 1 क्यों रखा, लूप स्टार्ट होने से पहले एफ की वैल्यू को 1 क्यों किया, इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है क्योंकि हम इसके अंदर आई की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई की हर वैल्यू एफ के अंदर आगे मल्टीप्लाई होगी, तो अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करते, अगर आप ये काम नहीं करते, तो फिर क्या होगा, एफ के अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, रैंडम वैल्यू कोई पड़ी होगी, मेमोरी से उठाएगा वो, तो वो उस रैंडम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएगा आई के साथ, तो आंसर हमारा गलत आएगा, अनएक्सपेक्टेड आंसर आएगा। अब इसको 1 क्यों रखा, 0 क्यों नहीं रखा, अगर 0 रखते तो सब कुछ 0 हो जाना था, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, अगर आपने इन डिजिट्स को ऐड करना होता तो फिर यहां पे 0 करते, ऐड करना होता तो फिर आप इसको 0 करते, अदरवाइज यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, आप 1 लिखेंगे। समझ आ गई ये बात, एनी क्वेश्चन जी, आप बताएं कौन पूछ रहा है। गार्बेज वैल्यू आ सकती है, एंटर आने नंबर 5, फैक्टोरियल इज 1920। रिजल्ट्स आपके खराब आ गए ना, ठीक है जी। बेटा आपने क्या पूछा है, हाँ, 0 का फैक्टोरियल मैथमेटिक्स का रूल है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये मैथ्स का रूल है। लेकिन यहाँ पे अब हमने कंडीशन लगानी है, एक नेगेटिव नंबर्स को चेक करना है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, नेगेटिव नंबर्स की चेक करने की लॉजिक लिखनी है। ये लाइन नंबर आपके सामने लिखे आ रहे हैं सारे, मुझे बताएं किस लाइन नंबर पे जाके मैं नेगेटिव नंबर चेक करने की लॉजिक लिखूंगा। अब जी 17 पे, इनकोरेक्ट, थोड़ा सा करीब है आप, बिल्कुल सही है, 16 पे चेक करेंगे। फैक्टोरियल वाली लॉजिक स्टार्ट होने से पहले चेक करेंगे उसको, और अगर वो पॉजिटिव नंबर हुआ तो उसको आगे मूव करने देंगे फैक्टोरियल की तरफ, नेगेटिव हुआ तो हम उसको उधर स्टॉप कर देंगे। तो कंडीशन क्या लगाएंगे बताएं, इफ बताओ एन इज लेस देन 0, तो यूजर को मैसेज देंगे नेगेटिव नंबर्स आर नॉट, अदरवाइज अगर उसने 0 या 0 से ऊपर दिया है, अच्छा अगर वो 0 देगा फिर आंसर क्या आएगा, अगर यही लॉजिक हम यहां पे, ये जो पूरी लॉजिक है फैक्टोरियल की, इसको उठा के इस एल्स के अंदर रख देते हैं हम, ठीक है। फैक्टोरियल की सारी लॉजिक उठा के हमने रख दी किसके अंदर, एल्स के अंदर। तो अब ये सारी लॉजिक कब चलेगी, जब एन की वैल्यू 0 से नीचे नहीं होगी। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको 0 दे तो आंसर क्या आएगा, जो मेरी लॉजिक है उसके अंदर 1 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा इसका आंसर। हमारी लॉजिक ही ऐसी लिखी हुई है,
इनफैक्ट जब आप जीरो देते हैं ना, तो ये वाली स्टेटमेंट तो चलती है ना, एफ इक्वल टू इनिशियल वैल्यू तो वन नहीं होगी उसकी, जब ये लूप चलाएगा ना एन की वैल्यू क्या दी, जीरो, तो ये स्टार्ट जीरो से होगा और पहली टेस्ट में ही फेल हो जाएगा, बिकॉज जीरो नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, तो पहले टेस्ट में ही फेल होकर बाहर चला जाएगा और एफ की वैल्यू वन ही रहेगी। ठीक है, वन देंगे तभी इसका आंसर वन ही आएगा। हाँ जी, नेगेटिव नंबर्स को भी आपने चेक कर लिया, जीरो का फैक्टोरियल वाला भी आपने लगा दिया अप्लाई इसमें। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, मेरे ख्याल यहां तक काफी है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।